हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा रावल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आपका अध्याय 2 चल रहा था, उसमें बताया था व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, आपके चैप्टर का नाम है। तो मैंने आपको बताया था जो व्यवसायिक क्रिया होती हैं उसके कुछ भाग होते हैं, उनको कुछ भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में कल हमने बात की थी। तो ये चार्ट था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो व्यवसाय है उसको दो भागों में बांटा गया है। अब व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। एग्जाम्पल, शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, फुटकर या थोक व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, या उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, ये सब क्या हैं? व्यवसाय के अंदर आते हैं। अब जो ये व्यवसाय शब्द है, व्यवसाय जो है इसका जो अर्थ है एक विस्तृत एवं व्यापक शब्द होता है जो व्यवसाय है। अब व्यवसाय को दो भागों में बांटा है, पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। तो उद्योग जो है, उद्योग को तीन भागों में बांटा गया है, पहला प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा है तृतीयक उद्योग। ठीक है, तो तृतीयक उद्योग, फिर उसके बाद जो प्राथमिक उद्योग है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, निष्कर्षण उद्योग और जनक उद्योग। निष्कर्षण में जो मानव द्वारा होता है, जनक में निष्कर्षण में होता है जैसे खान खोदना, ये सब क्या होते हैं? जो नेचर से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं वो किस में आते हैं? इसमें निष्कर्षण उद्योग में आते हैं। जनक उद्योग में जैसे मछली पालना, मुर्गी पालन, ये सब आते हैं जनक उद्योग में। उसके बाद द्वितीयक उद्योग है, द्वितीयक उद्योग को भी दो भागों में बांटा गया है, जैसे जो नेचर से रिलेटेड है, गेहूं पैदा हो रहा है, गेहूं को पहुँचाने के बिस्किट बनाने के लिए कारखाने तक पहुँचाया जाएगा, जो वो कारखाने हैं उसके बारे में जो बताया जाता है वो किस में आता है? द्वितीयक उद्योग में। उसके बाद जो तृतीयक उद्योग है, तृतीयक उद्योग में आता है सेवा उद्योग या सेवा से रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे गेहूं को ले जाने के लिए कारखाने तक कुछ ना कुछ वाहन चाहिए, जैसे कोई बस चाहिए, ट्रक चाहिए, गेहूं को ले जाने के ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? तृतीयक उद्योग में, सेवा उद्योग। कोई मोबाइल फ़ोन है, ये सब किस में आते हैं? तृतीयक उद्योग में। उसके बाद वाणिज्य उद्योग है, वाणिज्य उद्योग को दो भागों में बांटा गया है, व्यापार और व्यापार के सहायक। अब जो व्यापार है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है देशी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। जो देशी व्यापार है, देशी व्यापार एक देश की सीमा के अंदर का जो व्यापार किया जाता है उसे हम देशी व्यापार को कहते हैं। विदेशी व्यापार जो दो देशों के बीच, दो देशों के मध्य जो व्यापार किया जाता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, चार्ट समझ आया? इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करते हैं। उद्योग के बारे में मैंने कल बताया था आपको, प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाकर, यानी जो प्राकृतिक वस्तु हैं जो हमें नेचर से उपलब्ध होती हैं उनकी जो उपयोगिता है उसको बढ़ाकर उन्हें बिक्री योग्य बनाना अथवा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उद्योग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, गन्ना, गन्ना है, गन्ना को परिवर्तन करने के बाद उससे शक्कर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, ये सब किसके अंदर है? उद्योग के अंदर आते हैं। यानी कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उद्योग कहलाता है। ठीक है, समझ गए उद्योग के बारे में। उसके बाद जो उद्योग शब्द है इसको तीन वर्गों में बांटा गया है, यानी तीन भागों में तीन प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं। पहला है उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाले वो। उपभोक्ता पदार्थों का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग किया जाए, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से, जैसे बिस्किट है, बिस्किट को आप दोबारा अगर एक बार खा लेने के बाद उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बिस्किट जो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया जाता है, जूता है उसको भी उपभोग प्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है, कपड़ा है, आदमी कोई भी व्यक्ति है वो इसका प्रत्यक्ष रूप से, अंतिम उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका उपभोग कर लिया जाता है, तो ये सब क्या है? उपभोक्ता पदार्थ। ठीक है, उपभोक्ता पदार्थों का उद्योग भी कहा जा सकता है। उसके बाद है पूंजी पदार्थों का निर्माण, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में क्या है? मशीनों के द्वारा कपड़ा बनाया जाता है, उसमें कुछ उपकरणों को यूज किया जाता है, एल्युमिनियम है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है, वो मशीनों के द्वारा किया जाता है, ये सब क्या है? पूंजीगत पदार्थ, यानी पूंजीगत पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से करा दिया है, मैं आज केवल आपको इसके रीडिंग और उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कारखानों में किया गया है इन मशीनों का उपकरण का प्रयोग, दूसरे उद्योगों द्वारा अन्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है।
डावर ने एक परिभाषा दी है, उद्योग वाणिज्य का वह विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है, यानी जो उद्योग है वाणिज्य का एक विभाग है जो धन के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद उद्योग को तीन भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। उद्योग को किस किन तीन भागों के बारे में बांटा गया है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि जो उद्योग है उसको तीन भागों में बांटा गया है, मैंने आपको ये अच्छे से बताया था। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा था द्वितीयक उद्योग और तीसरा था तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग में नेचर से रिलेटेड जो सभी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, तुम्हारे प्राथमिक उद्योग में। जो द्वितीयक उद्योग है उसमें जैसे कच्चा लोहा खनन प्राथमिक उद्योग है तथा स्टील का निर्माण द्वितीयक उद्योग है। यानी द्वितीयक उद्योग का मतलब है कच्चे माल से पक्के माल को हुई हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उद्योग बोलते हैं। तो पहले जो प्रथम उद्योग है, जो प्राथमिक उद्योग है, जो नेचर से रिलेटेड है, जो प्राकृतिक से रिलेटेड है, प्राकृतिक संसाधनों का यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक उद्योग। एक बार इसको रीडिंग भी इसकी कर लेते हैं। इन उद्योगों के अंतर्गत ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के खनन उत्पादन पशु एवं वनस्पति आदि से संबंधित है। मैंने आपको बताया जो प्राथमिक उद्योग होते हैं उसमें नेचर से रिलेटेड आते हैं, प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे खनन है, जैसे कोयले की खदान है, ये सब क्या है, उत्पादन, किसी वस्तु को उत्पादन कर रहे हो, कृषि कर रहे हो। पशु एवं वनस्पति, पशु जितने भी हैं जानवर से रिलेटेड, जैसे मुर्गी है, मछली है, मत्स्य पालन है, ये सब इसके अंदर आते हैं, प्राथमिक उद्योग के अंदर ही आते हैं। इन उद्योगों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया है, जो प्राथमिक उद्योग हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला लिखा हुआ है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग का मतलब है जो पदार्थ एवं वस्तुएँ मानवीय प्रयास द्वारा प्राप्त हों उन्हें हम निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कृषि उद्योग है, मानव इसमें मेहनत करता है, मानव क्या करता है, किसी चीज़ का उत्पादन करता है, तो कृषि उद्योग किसके अंदर आएगा, निष्कर्षण उद्योग। खान खोदना है, अब किसी की खान की खुदाई हो रही है, कोयला की खदान हो रही है, तो वो मानव ही करेगा, मानव के द्वारा ही खोदा जाएगा, तो वो भी किसके अंदर आएगा, निष्कर्षण उद्योग के अंदर ही आएगा। तेल निकालना, अगर तेल निकाल रहे हो, कच्चा तेल निकाल रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा, प्राथमिक उद्योग में, क्योंकि ये नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि तेल आपके घर नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद है जंगलों में लकड़ी प्राप्त करना, जो लकड़ी है वो भी जंगलों से प्राप्त की जाती है, भी नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन नेचर, तो ये भी क्या है, निष्कर्षण उद्योग। उसके बाद है वनों से दवाएं व जड़ी बूटियां प्राप्त करना, यानी वनों से अगर कोई दवाई या जड़ी बूटियां भी प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी प्राथमिक उद्योग के निष्कर्षण उद्योग में आएगा, ठीक है। फिर दिया हुआ है जनिक उद्योग। अब जनिक उद्योग क्या होते हैं, जनिक उद्योग का मतलब है जैसे पशुपालन होता है, मत्स्य पालन मछली का पालना होता है, मुर्गी पालन होता है, ये सार्वजनिक उद्योग के अंदर आते हैं। जैसा लिखा हुआ है कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो पौधों की नस्ल सुधारने तथा पशुओं के प्रजनन से संबंधित होते हैं, यानी जो कुछ उद्योग हैं ऐसे होते हैं जो पौधों की नस्ल को सुधारने तथा पशु के प्रजनन से संबंधित होते हैं। जैसे पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, मुर्गी पालन हुआ, ये क्या है, पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। इन उद्योगों को जनिक उद्योग कहा जाता है, ठीक है। इनमें वनस्पति एवं पशुओं के विशिष्ट नस्लों में प्रजनन कराकर उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और उनका विक्रय करके लाभ कमाया जाता है। मतलब कि अब इसका मतलब है पशुओं के विशिष्ट नस्ल कैसे, अब कोई मुर्गी पालन करता है तो वो क्या है, उसमें उस जो उसकी संख्या है उसको बढ़ाता है, उसमें मुर्गी पालन करता है, अधिक से अधिक मुर्गी बनाना चाहता है और उनका विक्रय करके यानी उनको बेचता है और उसके बाद जो उससे लाभ होता है उसको वो कमाता है, लाभ कमाया जाता है। इन उद्योगों के अंतर्गत पशुपालन आता है, कृषि बागवानी आती है, मत्स्य पालन आता है, मछली पालन आती है, मुर्गी पालन आता है और कैटल ब्रीडिंग फार्म भी आते हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, जनिक उद्योग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक उद्योग मैंने बताया, प्राथमिक उद्योग में जो एक मानक प्रयास के द्वारा वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसे हम निष्कर्षण उद्योग बोलते हैं। जनिक उद्योग क्या होते हैं, जो पौधों की नस्ल और पशुओं के प्रजनन से संबंधित होते हैं, वो सभी जनिक उद्योग के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो आज मैंने आपको खाली ये बताया है उद्योग के प्रकार कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला उसमें मैंने आपको आज प्राथमिक उद्योग बताया है, कल हम द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।